गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले गाइस, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं 4-5 दिन से वीडियो नहीं बना सका। उसका रीज़न ये है कि मुझे बुखार आया था। बुखार मतलब हम जब 17 अगस्त को जब देवी श्री माता देवी के विसर्जन का दिन था, उस दिन भी बारिश थी और उसके पहले दिन भी बारिश थी। तब खाना था यहाँ पे, वो सामान लाना यहाँ से वहाँ ये करना, उसमें नहीं क्या बहुत मतलब भाग दौड़ हो गई और ऊपर से बारिश। उस बारिश और भाग दौड़ की वजह से मुझे थकान और बुखार आना चालू हो गया, मुझे सर्दी हो गई। कैसे तो भी अलग ही फील हो रहा था, उल्टी जैसे, क्या बताऊँ मैं आपको। इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना सका, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब थोड़ा बेटर फील लग रहा है मुझे, पर अभी भी सर्दी है। और देखो, आप आग देख सकते हो, सर्दी के वजह से देखो आग देखो कैसी हो रही है। अभी मैं लेटा हुआ था, मैंने सोचा था कि अभी मैं ब्लॉग बना लूँ, तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। देखो, मुझे थोड़ा गर्म फील लग रहा है, तो भी हो रहा है मुझे। तो गाइज, अब आज कुछ में प्रैंक और एक्टिविटी तो कुछ भी करने के हालत में नहीं हूँ। कल मैं स्कूल गया था, स्कूल में जाकर थोड़ा अच्छा भी फील लगा, पर एक प्रॉब्लम, उससे पहले स्कूल में गए थे उस देर भी थी, एक प्रॉब्लम हुई थी मुझे। जब मुझे बुखार आया था, तब बुखार के वक्त हम सो के ही रहे थे, तो मैं पिलो पे सोया था। तो पिलो ऐसे नहीं था जैसे है, ऐसे खड़ा था और वैसे मैं सो गया था। तो मेरी यहाँ पे है वो पूरा नहीं के दर्द दे रहा था, सच में बोलूँगा, सच में पूरा यहाँ पे दर्द दे रहा था। और मैं से नीचे झुक के नहीं देख सकता था, इतना दर्द दे रहा था। पर मैं मेडिकल में गया, मेडिकल स्टोर में, वो अंकल हमारे पहचान के, उनके पास से दवाई ली और ठीक हो गया। जब बुखार आया था तभी भी मैं कोई तो भी दरवाज़ा ठोकर, ये देखिए कौन है। हाँ, मला तो मेरे पापा थे, बाहर से आए थे, कौन है करके पूछ रहे थे। तो मैं बता रहा था, हाँ तो क्या बता रहा था मैं, हाँ स्कूल में गया था, उसके आगे तो मैं अभी भूल गया। तो ऐसे है गाइस मेरी कहानी अभी की। तो अभी हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ, स्कूल गया, स्कूल जाके तो अच्छा लगा मुझे। और मतलब ज़्यादातर पीरियड ऑफ ही गई थी अभी लॉकडाउन में, कुछ टीचर लोग आए थे, कुछ टीचर लोग नहीं आए थे, तो ऐसा हुआ। अब मैं ट्यूशन भी लगे, ट्यूशन में भी हमें मज़ा आती, ट्यूशन में तो ज़्यादा मज़ा आती स्कूल से भी। ट्यूशन में गया था मैं, तो भाई सबसे पहले नहीं क्या, मैं आपको एक पेड़ दिखाऊंगा। मैंने आपको अपना पूरा गार्डन दिखाया था, उसमें पपई का पेड़ था, वो मैं आपको दिखाया कि नहीं, क्योंकि मैं अकेला हूँ इधर। ये मेरे दादाजी है, पेड़ दिखा रहे, देखो तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक पेड़ था, उसके बाजू में एक पेड़ था, यहाँ पर था गए, देखो मेरे पर छिड़ रही, यहाँ पर था। पर वो पेड़ बीच में से झुक गया, पता नहीं ये पेड़ की क्या ग्रो तो हो रही है, फल भी आ रहे हैं, पर उतने बड़े नहीं आ रहे, छोटे छोटे। देखो यहाँ पे गिरा एक फल, जब मंकी जाते हैं तो तोड़ के खा जाते हैं, इतने ही छोरे इसके ऊपर नहीं हो रहे। तो इधर का पेड़ टूट गया था, तो मेरे पापा ने साइड में करके यहाँ पे रख दिया। देखो वो पूरा पीस टूट गया था, देखो कितना बड़ा, और वो भी बीच में देखो कैसा हो गया था, मतलब पूरा लूज गिर जाता था, ऐसा होकर यहाँ पे टूट गया। तो ये पेड़ मैंने दिखाया था कि नहीं, कि मेरे गार्डन वाले वीडियो में, वो देखना, अगर दिखाया होगा तो कमेंट करके बता देना मुझे। देखो फिर यहाँ पे साइड में मतलब गाड़ा नहीं है इसको अंदर, सिर्फ ऐसे खड़ा करके रख दिया है यहाँ पे। और वो बाजू में भी आपको दिख रहा होगा, देखो वो वाला, देखो मेरा हाथ है, हाँ वो उधर भी एक पेड़ था, वो भी वैसे ही बीच में से टूट गया था, पता नहीं कैसे टूट रहा है। चलिए अपने स्टडी रूम में ही जाते हैं। यहाँ पे देखो कैसे पूरा गंदा हो गया, मतलब इधर उधर डाल दिया है सामान, ये साफ करना है। उस दिन मेरे मम्मी पापा ने पूरा साफ किया था। तो ये जो बेड है, जो बेड मैंने पहले आपको वीडियो में दिखा था, वो लकड़ी का था, अभी ये
इसका है, लोहे का है, क्योंकि वो टूट गया था बीच में से इसलिए। तो ऐसा था गाइस, मुझे बुखार वगैरह आ गया था, तो अभी मैंने दिखाया वो पेड़ आपको दिखाया था। अभी अभी तक तो मैं पढ़ाई ही कर रहा था। मैं आज 9 बजे उठा, 9 बजे ही उठा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी की मैंने 11 साढ़े 11 बजे तक। फिर मैंने नहाया, अभी नहा के ही आया और मैंने व्लॉग्स बनाया, नहा के आया मैं और व्लॉग्स बना रहा हूँ। उसकी थोड़ी देर बाद अब ट्यूशन का भी होमवर्क है, वो भी करना है मुझे। अगर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पापा का स्टॉल है, गुपचुप का स्टॉल है, एक दिन वो आपको मैं दिखाऊंगा, तो वहाँ पे जाना, प्लीज़ सपोर्ट करना। बहुत टेस्ट मिलता है, ऐसे नहीं कि मेरे पापा का इसलिए बोल रहा हूँ, सच में वहाँ पे टेस्ट भी मिलता है, दाबेली भी मिलती है, गुपचुप दाबेली सब ही मिलते हैं, भेलपूरी दही पूरी भेल ये सब मिलता है। तो आप ज़रूर जाना, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं एड्रेस यहाँ पे भेजूंगा आपको, एड्रेस भी दिखाऊंगा और एक बार स्टॉल भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।